अस्सलाम वालेकुम। हादसे से मुतालिक कुछ सवाल करने के लिए आए हैं। क्या हम घर के मालिक से बात कर सकते हैं? वो हाँ जरूर, मैं बुलाती हूँ उन्हें, एक मिनट रुक जाएं। केनान बेटा वो तुमसे। ठीक है शरीफ आपा, मैं देखता हूँ। कहिए क्या मदद कर सकता हूँ मैं? बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है उस बारे में हम तहकीकात करने के लिए आए हैं। जरूर, प्लीज अंदर आ जाइए। पुलिस आई है, अब हम क्या करेंगे मैडम? घबराओ नहीं, जो कहा है वो कह देना, चलो आ जाओ। जिस वक्त हादसा हुआ तो उस वक्त सब मौजूद थे? कोई ऐसा शख्स जो इस वक्त यहां पर मौजूद ना हो? एपिक मेरी बहन है, ऊपर है। उन्हें भी बुलाएं, मेहरबानी होगी। शरीफ आपा, एपिक को बुला दीजिए। जी। क्या कोई आपके फैमिली में ऐसा मेंबर है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं? सलीम नहीं है, वो मेरा इकलौता भाई है, लेकिन वो कल यहाँ नहीं था। उसके अलावा आयशा आपा भी है, हमारी हाउसकीपर, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में है। ठीक है, तो पहले आपसे सवाल करते हैं। केनान साहब, जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त आप कहाँ थे और किसके साथ थे? दरअसल मैं मेहमानों के साथ थोड़ा बिजी था। ठीक है, तो आप सब वहाँ थे और कोई वहाँ से गया तो नहीं था? आप जो कुछ जानती हैं हमें बताएं। आपकी छोटी सी छोटी बात भी हमारे लिए इस केस को हल करने में काफी मदद कर सकती है। तुम थोड़ी देर के लिए कहीं गई थी? कहाँ गई थी? किरान, मैं बच्चों को देखने के लिए ही गई थी। सब बच्चे कोई खेल खेल रहे थे, उन सबको खेलता देखकर वापस आ गई। एलिफ वहाँ थी क्या? जी बिल्कुल, वो भी सब बच्चों के साथ खेल रही थी। जी हाँ, तूचे ने मुझे बताया था कि वो बच्चों के साथ खेल रही है। तूचे आपकी बेटी है क्या? जी हाँ। घर पर है वो? जी वो सो रही है, हादसे की वजह से वो सारी रात सो नहीं सकी। अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा आप कब उठी? मैं सोई नहीं थी, डॉल के साथ खेल रही थी। अम्मी ये लोग क्यों आए हैं? एलिफ के साथ जो हुआ है उसके बारे में बात करने आए हैं। कैसी हो बेटा, क्या आपने कल एलिफ को देखा था? नहीं तो, मैं खेल रही थी। क्या एलिफ भी आपके साथ खेल रही थी? जी अंकल, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगती, अम्मी को भी अच्छी नहीं लगती। छोटे बच्चे भी ना। बेटा एलिफ तो हमारी मेहमान है और मेहमानों के बारे में ऐसा नहीं कहते। आप तो एलिफ के साथ खेलती हैं।